नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। ठंड और कोहरे से लोग बेहाल, हादसों में दो की मौत। नए साल पर धूप खिलने के बाद मंगलवार को घना कोहरा छा गया। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री नीचे लुढ़ककर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान 2 डिग्री का गोता लगाकर 14 डिग्री सेल्सियस पर लुढ़क गया। इससे दिन भर कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल रहे। उधर घने कोहरे के चलते सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा बरेली पीलीभीत हाईवे पर हुआ, जहां ड्यूटी जाने के लिए स्कूटी से निकली 28 साल की प्रीति को रिठौरा पेट्रोल पंप के पास कोई वाहन सवार रौंद कर फरार हो गया। ऐसा ही दूसरा हादसा फरीदपुर के टिसुआ में फौजी ढाबा के पास हुआ। ढाबे पर दूध देकर लौट रहे फतेहगंज पूर्वी के खजनपुर निवासी शिखर को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद कर मार दिया। शीतलहर का कहर देखकर डीएम रविंद्र कुमार ने नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूली बच्चों के लिए 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। मंगलवार को डीएम ने राजकीय महिला शरणालय का निरीक्षण करा। इस दौरान डीएम ने वहां रह रही संवासनियों को कंबल का वितरण भी किया। इसके अलावा रोटरी क्लब साउथ, इफको आवला और समर्पण एक प्रयास संस्था की ओर से जिला अस्पताल में मरीज के साथ आए गरीब तीमारदारों को 101 कंबलों का वितरण किया गया। ड्राइवरों की हड़ताल जारी, पेट्रोल पंप पर तेल के लिए मारामारी। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर के ट्रक, डंपर, बस और ऑटो चालकों ने चक्का जाम कर दिया है। ड्राइवरों की हड़ताल दूसरे दिन भी मंगलवार को जारी रही। ऐसे में पेट्रोल पंप पर दिन भर लंबी कतारें लगी रहीं। लोगों में गाड़ी की टंकी फुल कराने की होड़ मची रही, ताकि अगर हड़ताल 2 या 3 दिन और जारी रहती है तो उन्हें पेट्रोल की किल्लत ना हो। वहीं हड़ताल के कारण बाजार में सब्जी, खाद्यान्न, गैस सिलेंडर समेत अन्य जरूरी सामान नहीं पहुँच पा रहा है। ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन और टैक्सी चालक यूनियन ने दिन में कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग करी। गुरुजी ने 13 साल के मासूम से किया कुकर्म, मुकदमा दर्ज। इज्जतनगर में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पार्वती जूनियर हाई स्कूल की कक्षा 5 में पढ़ने वाले 13 साल के मासूम से टीचर आरवी सिंह ने कुकर्म किया। टीचर कई महीनों से मासूम का मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर यौन उत्पीड़न कर रहा था। छात्र को धमकाकर घर से सोने की अंगूठी और 9,000 रुपए भी मंगवा लिए। छात्र के गुमसुम रहने पर परिजनों ने पूछताछ करी तो मासूम ने डरी हुई जुबान में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत करी तो वो उल्टा मासूम का स्कूल से नाम काटने की धमकी देने लगे। इस पर परिजन करनी सेना के साथ इज्जतनगर थाने पहुंचे और आरोपी टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। देखिए मामले में सीओ अनीता चौधरी ने क्या जानकारी दी। 2 जनवरी 2024 को थाना इज्जतनगर में एक लड़के के साथ दुष्कर्म करने एवं धमकाकर उसके घर से पैसे मांगने जैसे मामला प्रकाश में आया है। वादी जो कि उस लड़के का पिता है, उसकी तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना इज्जतनगर में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और लड़के का मेडिकल कराकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गन्ना मूल्य निर्धारित किए जाने को लेकर किसानों का प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन आरजनेतिक ने गन्ना मूल्य निर्धारित करने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन करा। मंडल अध्यक्ष चौधरी अरुण सिंह राठी की अगुवाई में यूनियन ने एसडीएम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। बताया कि पिराई सत्र 2023-2024 के लिए गन्ना मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर क्रांतिकारी विकास मंच ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में प्रदर्शन करा, फिर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें मांग उठाई कि किसानों की फसलों को नकद और उचित दामों में खरीदा जाए, बेसहारा पशुओं को सुरक्षित किया जाए, नए राज्य का गठन करके बरेली को राजधानी बनाया जाए और हाईकोर्ट की स्थापना की जाए। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के एक अवसर पर व्यापार मंडल करेगा 7 दिवसीय प्रोग्राम। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल बरेली में 7 दिनों तक धूमधाम से कार्यक्रम मनाएगा। व्यापार मंडल के महामंत्री राजेश राजौरिया ने बताया कि इस पल की प्रतीक्षा हम सबको वर्षों से थी। इसे धूमधाम से मनाने के लिए प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने 7 दिवसीय कार्य योजना बनाई है। इसमें व्यापारियों से 22 जनवरी को अपने प्रतिष्ठानों को सजाकर 24 दीप जलाने का आह्वान करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं कि व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता ने इसे लेकर क्या जानकारी दी। तो उनके उस समारोह को पूरा भारतवर्ष एक अनूठे उत्सव के रूप में मनाने जा रहा है। इसमें हम 2.5 करोड़ व्यापारियों के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारी संगठन भी उत्सुकता के साथ उस पल का इंतजार कर रहे हैं और उसको लेकर के हमने एक कार्य योजना, एक व्यूह रचना बनाई है। शीर्षक दिया है मेरी बरेली मेरी अयोध्या। मेरी बरेली मेरी अयोध्या अर्थात मैं अपनी बरेली को भी अयोध्या की भांति बनाऊंगा, सजाऊंगा। उसके लिए व्यापार मंडल ने, चूंकि हमारा बड़ा संगठन है,
136 इकाइयों के द्वारा सुसज्जित हमारी महानगर की इकाई है, प्रत्येक तहसील में हमारी जिला इकाई के सदस्य व्याप्त हैं, तो हम उनको लेकर के एक महायज्ञ करने जा रहे हैं और 7 दिन का हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें पहले दिन हम ये 16 जनवरी से प्रारंभ करने जा रहे हैं। 16 जनवरी मंगलवार को सभी भामाशाह साथी अपनी अपनी दुकान खोलेंगे, सफाई करेंगे और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके, और एक किसी गरीब व्यक्ति को प्रत्येक दुकानदार कुछ दान दे करके इस महायज्ञ की शुरुआत करें। 17 तारीख को हमारी महानगर की युवा इकाई, हमारे महानगर अध्यक्ष श्याम मिठवानी जी आए हैं, ये युवा इकाई मारवाड़ीगंज स्थित मंदिर में संत सम्मान का कार्यक्रम करेगी। 18 तारीख को हमारे व्यापार मंडल के श्यामगंज कार्यालय पर एक प्रवचन गोष्ठी होगी, जिसका विषय होगा हमारे राम सबके राम जन जन में राम। 19 तारीख को हमारा सीवीगंज व्यापार मंडल, वहाँ पर राम के संदर्भ में एक लघु नाटिका का 1 घंटे का मंचन करेगा। 20 तारीख को हमारी जिला इकाई 5 वृद्धजनों का सम्मान करेगी और पूरे बाजार में भ्रमण करेगी। 21 तारीख को, क्योंकि श्री राम की जहाँ आराधना हो वहाँ भगवान शंकर जी की आराधना परम आवश्यक है, इसलिए 21 जनवरी को दोपेश्वरनाथ मंदिर में श्री राम जी का गुणगान एवं भोलेनाथ का जलाभिषेक कार्यक्रम व्यापार मंडल के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद 22 जनवरी को पूरे बाजार में मिष्ठान वितरण करेंगे, पूरे बाजार में दीप प्रज्वलन करेंगे, शंख ध्वनि करेंगे, बाजारों की सजावट करेंगे। और इस बार ये ध्यान रखेंगे कि 22 जनवरी को कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, रामराज की कल्पना को साकार करते हुए, और कोई गरीब व्यक्ति ठंड से ठिठुरता हुआ ना मिले, तो भोजन और कंबलों की व्यवस्था हम सारे बाजार में करें। केंद्रीय कुछ नहीं होगा, ये अलग 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 इकाइयाँ, अलग अलग बाजार, अलग अलग मार्केट इस कार्यक्रम को करेंगे। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।